तो सर जी, अगर आप पबजी या फ्री फायर दोनों में से कोई भी एक गेम खेलते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये गेम भी पहले कभी ना कभी खेला ही होगा। जी हाँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैन का। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आप ये गेम अभी भी खेल रहे हो या नहीं। वेल, अभी हम इस वीडियो के अंदर वार मारने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक अटैक मारेंगे और उसके बाद हम मारेंगे वार पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गेम पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। और आप लोग मेरे आर्मी देख सकते हो, हाँ यही आर्मी मैं यूज करता हूँ, मेरा फेवरेट है यार ये। तो चलो सबसे पहले लूट मारते हैं। वेल गाइस, दो तीन बार सर्च करने के बाद मेरे को बहुत बढ़िया बेस मिल चुका है और इसके पास लूट भी बहुत अच्छा खासा है। और अभी मेरे पास किंग नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यार मैं वैसे भी बहुत प्रो इस गेम में, ठीक है। आप मतलब फ्री फायर में तो प्रो हुई, लेकिन इस गेम में भी बहुत खतरनाक खेलता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्वीन को डिप्लो करते हैं इधर, और उसके बाद एबिलिटी, हाँ इससे तीन हीलर आएंगे, एक हीलर छोड़ देंगे। चलो वॉल ब्रेक बहुत अच्छा खासा हो चुका है, फाइनल भी हम ट्राई करेंगे क्वीन को अंदर लेके जाए जितना हो सके, ठीक है। चलो अभी तक तो मस्त जा रहा है अटैक। और अभी मैं क्वीन के अंदर हीलर पपेट और फ्रीज एरो यूज कर रहा हूँ, और आप लोग कौन से यूज करते हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलो एक कोकोलून डाल रहे पीछे से, और एक वार ब्रेक भी। अगर ये क्वीन ईगल कंपार्ट में चली गई तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन नहीं भी गई ना तो भी कोई बात नहीं यार, हम मैनेज कर लेंगे, कोई मतलब उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो चलो, नहीं गई नहीं गई, एक ओकलून डाल लेते हैं और इधर से मेन आर्मी को डिप्लॉय कर देते, ठीक है। चलो सारे के सारे ड्रैगन्स, बुढ़ा आएगा, आरसी, आरसी के पीछे दो हीलर, और सारे के सारे बलून्स और ब्लीम, और उसके बाद दो हेड हंटर्स। चलो और अब एबिलिटी, और एक रेज मार देंगे भाई साहब, बेस्ट किधर भी नहीं बचता, और इधर एक फ्रिज। चलो चलो चलो, और जब ये ब्लिम मतलब टाउनल के पास पहुंच जाएगी हम, अरे रेड टोर्नेडो निकल गया, ओ माय गॉड। चलो टाउनल तो अभी नहीं मिला ब्लिम के साथ, एक फ्रिज कर देते इधर, अब मिल जाएगा शायद मेरे ख्याल से। बेस तो ख़त्म है सर जी, यार कुछ भी नहीं बचा ना बेस में, देखो बेस में बचा ही क्या है अभी। हाँ मैं मानता हूँ ये बेस उतना मैक्स नहीं था, लेकिन यार बहुत खतरनाक तरीके से मारा मैंने। और अभी ना मतलब ये सी ओ सी में काफ़ी मतलब ईजी हो गया सी ओ सी खेलना, हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ यार। चलो और इसके बाद हम मारेंगे दो अटैक वार पे, ठीक है। ये तो हो गया ईजी पीजी क्लियर। चलो काफ़ी ज़्यादा मतलब लूट था यार इस बेस में। चलो तो सर जी, अभी आर्मी रेडी हो चुका है, और अभी हम अटैक करने वाले हैं वार के अंदर। और आपको सबसे पहले वार का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। ये देखो सर जी, और बस दो ही बेस बचे हैं, वो भी नंबर 3 और नंबर 9 का। तो सबसे पहले तो हम नंबर 9 के ऊपर अटैक करेंगे, तो लेट्स गो। तो ये रहा नंबर 9 का बेस, और ओ माई गॉड, नहीं यार नहीं 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 सर जी, मेरे को इस ब्लिम से टनल फोड़ना था। लेकिन वो सारा कंपार्टमेंट खा जाएगा मेरे को लगता है, लेकिन कोई ना सर जी कोई ना, मैं इसको वैसे भी अभी भी मतलब मार सकता हूँ सर। स्टार ट्राई करेंगे क्वीन को टाउनल की तरफ लेके जाए। तो ये रहा क्वीन, ये ब्लड दे देंगे, बहुत नाइस, एक वॉल ब्रेक, और इधर आएगा एक बेबी ड्रैगन। चलो ब्लिम मिस क्लिक हो गया ना सर जी, लेकिन कोई ना मैं मार लूँगा इसको थ्री स्टार ईजीली। चलो चलो, दूसरा भी वॉल ब्रेक, परफेक्ट वॉल ब्रेक सर जी। चलो चलो चलो, एक रेज आएगा, ओके नाइस, एक फ्रीज डाल देंगे इधर। चलो परफेक्ट फ्रीज सर जी। चलो सर जी, आधी बेस तो ब्लिम आ रही है, क्वीन खा गई, आर यू सीरियस। एक दो बलून डाल लेते इधर। चलो मेन आर्मी को डाले किधर, ईगल साइड डालते हैं सारे के सारे। चलो सारे के सारे ड्रैगन, बुड्ढा आएगा, आरसी, आरसी के पीछे दो हीलर, और सारे के सारे बलून्स, और एक हेड हंटर भी।
चलो बहुत नाइस, एवरेज दे देंगे, इधर एक रेज आएगा। ओके भाई मस्त, मतलब यार कुछ करना ही नहीं इस आर्मी के ऊपर, बस इजी पीजी थ्री स्टार आ जाएगा। बेस खत्म है सर जी, यार गया इफर्ट लिस्ट, थ्री स्टार हो गया ये बेस तो। वैसे भी मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ ब्लिम, वो मिसक्लिक हो गया था स्टार्टिंग में। चलो चलो इसके बाद हम मतलब नंबर थ्री के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। नंबर वन और टू में हमारे नंबर दो ने मार दिया है थ्री स्टार। चलो चलो तो चलो यार अभी नंबर थ्री के ऊपर अटैक करेंगे। इधर आएगा क्वीन एबिलिटी और एक हीलर, चलो एक वॉल ब्रेक भी, वेरी नाइस। इधर एक पनल के लिए बेबी ड्रैगन, चलो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लान ये रहेगा कि क्वीन से मतलब ये ईगल आर्टिलरी टेक डाउन करना है बस। चलो और उसके बाद हम ड्रैगन स्पैम कर देंगे पूरा। चलो चलो भाई, मैंने ये कोकुलून क्या ही तो मस्त डाला यार, मानना पड़ेगा यार वो तो। चलो थोड़ा बहुत फाइनल बनाते जाते हैं इधर मेन आर्मी के लिए। चलो तो सारे के सारे ड्रैगन और पीछे बुढ़ा आएगा और आएगा इधर एक आरसी, सारे के सारे बलून्स और हीलर और ब्लिम्बी और हेड हंटर। चलो और अब एबिलिटी, बहुत ही बढ़िया सर जी यार, क्या ही तो बेस्ट फीलिंग होती है ना सर जी ये सारे आर्मी डिप्लॉय करने के बाद एबिलिटी देना। चलो और इधर एक रेज आएगा, ख़त्म डाउन वाला। मुझे नहीं लगता अब इस बेस में उतना मतलब कुछ दम होगा इस आर्मी के अगेंस्ट बचने के लिए। चलो बेस तो जा चुका लग रहा। मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ सर जी, अगर मैं इधर ये स्पेल यूज ना भी करूँ तो भी थ्री स्टार है। चलो एक यूज कर ही लेता हूँ इधर, मतलब ज़रूरत नहीं था वैसे भी मैंने दे दिया, ठीक है। चलो इधर भी ज़रूरत नहीं था, एक फ्रिज, ख़त्म है बेस, ज़रूरत नहीं था इस स्पेल का। चलो काफ़ी इजी पीजी हमने थ्री स्टार मार दिया, मतलब हमारा इधर हो चुका है 100 में 100%, ठीक है वार के अंदर। और अपोनेंट वाले ने टोटल 75 में से 64 स्टार मारा है, तो ये वार तो हम जीत चुके हैं इधर। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 स्पैम कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।